प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कौमुदी शुक्ला, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आज आपके समक्ष जो हमारा एक जो सीरीज चल रही थी यूनिट टू में, जो फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन में, उसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, उसके बाद में हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की थी, तो उसी के आगे आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद की बात करेंगे। तो जो जैसे मानवतावाद जो शब्द है उसी से ही पता चल जाता है कि मानवतावाद जो है ये जो मानव के जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये मानव और उसकी जो भी जो समस्याएं हैं उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो इसके जो फादर हैं वो पेट्रार्क को माना जाता है, और ये जो वर्ड है ह्यूमनिज्म, ये सिसरो ने इसको कॉइन किया है। फिर यहाँ पर इसका आपको इंट्रोडक्शन स्लाइड दिखाई पड़ रही होगी। ह्यूमनिज्म कंसिडर्स मैन एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये बिल्कुल मनुष्य को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में रखता है। इट एम्फसाइजेज ऑन मेकिंग मैन अ गुड मैन बाय एजुकेशन। ठीक है, ये एम्फसाइज करता है कि हमें जो मनुष्य है उसको एक गुड मैन बनाने की ओर ये फोकस्ड है। इट डज नॉट कंसिडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड एंड सोल। ये भी क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही ह्यूमनिज्म जो आप की विचारधारा है ये पनपी है। ठीक है, ये उसी की सब ब्रांच टाइप की है। तो ये जो है यही कहता है कि ये भी गॉड और सोल जो है इस पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को निग्लेक्ट करता है। फिर अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। ठीक है, ये कहता है कि जो अल्टीमेट एम है वो सिर्फ खुशी से जीवन जीना और शांतिपूर्वक जीवन जीना है। फिर थिंकिंग एंड डूइंग गुड फॉर ऑल। ठीक है, हमेशा ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि हमें सबके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए, यानी गुड फॉर ऑल को ये फेवर करता है, और वसुधा कुटुंबकम जैसी विचारधारा को ये प्रमोट करता है। फिर इसकी जो डेफिनेशन है जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने दी है, मैन इज आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। ठीक है, यानी जो इंसान है वो ही अपना जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए वो खुद उत्तरदायी है। फिर मैन मेक्स अप द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन थॉट दैट देयर इज नो गॉड, नो सुपर ह्यूमन रियलिटी टू विच ही कैन बी रिलेटेड और कैन रिलेट हिमसेल्फ। ये मास्लो जी ने कहा है, मास्लो को आप सभी जानते होंगे। ठीक है, मास्लो की आपने नीट वाली थ्योरी है वो आपने पढ़ रखी होगी। तो ये यही कहते हैं कि ये जो है कोई भी गॉड और इस टाइप की कोई सुप्रीम पावर को ये निग्लेक्ट करता है, और ये कहता है कि हमेशा वही रियलिटी है। ठीक है, जिसको जिससे वो खुद को इंसान रिलेट कर सके। ठीक है, यानी जो भी है वो मैं हूँ, मतलब वो एक इंसान ही है, वो जिस चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है वही थ्योरी है, वही लॉज है, वही सब कुछ है। फिर ह्यूमनिज्म एम्फसाइजेज ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। ये ब्रूबैकर ने कहा है कि ये ह्यूमन नेचर और मानवीय दृष्टिकोण को जो है ये फेवर आउट कर। फिर इसके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, अब्राहम मास्लो जी हैं, कार्ल रॉजर्स हैं, कॉम्स हैं, एच जी गुड हैं, न्यूमैन हैं, गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, बहुत सारे इसके सपोर्टर आपको दिख जाएंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन में ये कहता है कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ये बात करता है। ठीक है, शारीरिक और बौद्धिक विकास मनुष्य का हो, ये इसकी बात करता है। फिर सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करता है। हायर ह्यूमन वैल्यूज़ के डेवलपमेंट की बात करता है, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं उनका हायर ऑर्डर में डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएशन, इंसान को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, इसकी बात करता है। उसके अंदर ऐसी पोटेंशियल को डेवलप करना जिससे कि वो क्रिएटिव बने, और फिर प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज उसके अंदर डिस्कवर करने की बात ये करता है, उसको डेवलप करने की बात। जो इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि ये भी एक मटीरियलिस्टिक विचारधारा ही है, ठीक है, जो ईश्वरवादी सत्ता को नकारती है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू, बिसाइड्स इट देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, यानी ये जो मटीरियल वर्ल्ड है वही ट्रू है, इसके बिहाइंड कोई भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वही है। फिर मैन इज द पीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस
मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है, और मैन ही एक सुप्रीम क्रिएशन है इस मटीरियल वर्ल्ड में, जो डेवलपमेंट्स हुई है उसकी सुप्रीम क्रिएशन जो है वो पीक, मतलब जो एक पीक क्रिएशन है वो इंसान ही है. ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ, द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, ठीक है, ये सुखी जीवन और खुशहाल जीवन, शांतिपूर्ण जीवन की बात करता है, जीवन जीने की बात करता है. अबाइडेंस बाय ह्यूमन वैल्यूज इज नेसेसरी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नीड्स. चीफ फंक्शन ऑफ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यानी किसी भी नेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो मैनकाइंड है उसके जो भी राइट्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट करे, ये इसकी बात करता है. फिर इसमें जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसमें बताया गया है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का, ये इसकी बात करता है. फिर इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, यानी जो हर एक बच्चा है उसको हमें एक इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, जिससे कि वो लर्न कर सके, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंटली लर्न करने दीजिए. अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद आपसे बोलेगा, नहीं तो उसको स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इस टाइप की चीज़ों पर ये बल देता है, ठीक है. फिर रिलेटेड टू रियल लाइफ, ठीक है, जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें इंसान परिपक्व बने, ये इसकी बात करता है. फिर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात करता है, जिसमें ये कहता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, ठीक है, उसको हमेशा टीचर को ध्यान में रख करके ही अपना जो भी लेसन प्लान है उसको क्रिएट करना चाहिए. फिर ये कहता है स्टूडेंट्स लॉजिक एंड इंटेलेक्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जो स्टूडेंट का जो लॉजिक का लेवल है, जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको ध्यान में रख करके ही चीज़ों को फ्रेम करना चाहिए. फिर डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की भी ये बात करता है, ठीक है, कि कोई डायग्नोस्टिक का मतलब आप निदान करना आप जानते होंगे कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी बच्चा जो चीज़ नहीं सीख पा रहा है उसको समझना, और फिर उसके लिए रेमेडियल क्लासेस की बात करता है, यानी उसके लिए फिर से उन क्लासेस को अरेंज करना जिससे कि बच्चा चीज़ों को ग्रहण कर सके. फिर इसके करिकुलम में हाइजीन और एक्सरसाइज, यानी क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट, आप जब इसका जो करिकुलम देखेंगे तो वहाँ पर मानविकी विषय भी हैं, उसके अलावा आपके जो सामाजिक विषय है वो भी हैं, और उसके अलावा आपका पर्यावरण का भी जो विषय है वो भी है, ठीक है. तो मानविकी विषय में संगीत, नाट्य और आपका आर्ट, उसके अलावा आपका जो साहित्य है, लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करता है. फिर उसके अलावा ये जो आपका इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें, ये जैसे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस वगैरह, इन सब चीज़ों को भी पढ़ाने की बात करता है. फिर उसके अलावा आपका जो सामाजिक, जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये अपने करिकुलम में स्थान देता है, जिसमें आपका जैसे हॉस्पिटल्स हैं, फिर उसके बाद में आपका जो है हाइजीन है, या फिर इस टाइप की चीज़ों को, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर वो करता है, इनकॉर्पोरेट करता है. लेकिन बस ये जो रिलीजन है उसको ये अपने करिकुलम में जगह नहीं देता, रिलीजन, सोल और गॉड, इन सब चीज़ों को ये नकारता है. टीचर के बारे में ये कहता है कि टीचर जो है उसको साउंड नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, ठीक है, और उसके अलावा अपने जो स्टूडेंट हैं उनकी भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो है चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल जो डोमेन है एक स्टूडेंट का, उसकी एक गहन अध्ययन होना चाहिए टीचर को, कि वो उसके जितने भी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, या उसका वो है आपका मोटिवेशन लेवल है, ये जितने भी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उसका एक विधिवत ज्ञान होना चाहिए टीचर में. फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट शुड बी लिबरल, ठीक है, यानी जो एटीट्यूड होगा जो है बच्चे की तरफ जो है टीचर का, वो एक लिबरल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है. मस्ट बिलीव इन रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, शुड नॉट इम्पोज हिज आइडियाज ऑन पीपल, ठीक है, अपना कोई भी आइडिया पीपल के ऊपर
जो है थोपना नहीं है, और हमेशा एक वेलफेयर की बात करनी है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात करनी है, ठीक है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड या एम्पैथेटिक एटीट्यूड जो ह्यूमन कोर वैल्यूज है उनके डेवलपमेंट की ये बात करता है। फिर इसमें जो है स्टूडेंट के बारे में कहा गया है कि स्टूडेंट को कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए टीचर का, ठीक है। उसको चीज़ों को खुद से डिस्कवर करनी चाहिए, ठीक है। खुद से इसमें प्रोजेक्ट टेक्निक्स की भी बात कही गई है। जब आप इसके मेथड ऑफ टीचिंग की बात देखेंगे तो उसमें जो है कहा गया है कि उसको जो है ऐसे जो है मेथड से पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करे, खुद से डिस्कवर करे, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करे, तब वो उस चीज़ को ग्रहण करे। फिर गिव देम फ्रीडम टू थिंक एंड टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन, ठीक है। उनको फ्रीडम दे, वहाँ देख लीजिए आप एग्जिस्टेंशियलिज्म से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मिलता जुलता ही है, क्योंकि ये वहीं से ये विचारधारा आई है। तो ये यही कहता है कि उसको फ्रीडम दो कि वो भी अपनी चीज़ों को के लिए डिसीजन ले सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन लव एंड कोऑपरेशन, यानी जो भी रिलेशनशिप है एक टीचर और टॉट के बीच में वो जो है कोऑपरेटिव होनी चाहिए, वहाँ पर लव भी होना चाहिए, केयर भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी टीचर को समझना चाहिए कि वो बच्चा जो है उसके अंदर क्या जो है चीज़ें चल रही हैं, वो जब किसी चीज़ को सोच रहा है तो वो किस मनोवेगों से वो ओतप्रोत है, और उसको कैसे जो है चीज़ों को उसको समझाना है, वो सारी चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए। कीप स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फियर्स, स्ट्रगल्स और टेंशन, ठीक है। टीचर को हमेशा जो जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक फियर से, हर एक स्ट्रगल से थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, मतलब वो टेंशन ना ले, इस टाइप का एक माहौल या एक एनवायरनमेंट तैयार करनी चाहिए। फिर है स्कूल कैसा होना चाहिए, तो स्कूल्स आर लेबोरेटरी ऑफ क्रिएटिंग मैन, ठीक है। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है एक मैन का क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन हो रहा है जो सबके लिए आगे चल के जो है ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार करेगा जिसमें सभी सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहेंगे। तो उस टाइप का एक मैनकाइंड जहाँ डेवलप हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से सारी रिसोर्सफुल होना चाहिए उस स्कूल को। फिर एवरीबडी इन स्कूल शुड बिहेव विद ऑल अदर्स ह्यूमनली, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा बात ये करता है, ठीक है। जितने भी परसीवरेंस है या आपका जो कंपनसेशन है या फिर जो आपकी ये इस टाइप की जो भी ह्यूमन वर्च्यूज़ हैं, सिंपथी है, एम्पथी है, इस टाइप की जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनके डेवलपमेंट की ये बात करता है। तो ये यही कह रहा है कि स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ें उन सबको या फिर जो भी टीचर्स हों एक दूसरे से उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू भरा होना चाहिए। फिर कोऑपरेट विद वन अनदर इन देयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की ये बात करता है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की ही ये भी बात करता है, जैसा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहा था, ठीक है। तो ये उसी की बात करता है। फिर ह्यूमनिज्म का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, तो ह्यूमनिज्म डिटरमाइंस एम्स ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, ह्यूमन वैल्यूज एंड क्रिएटिव पावर, ठीक है। यानी ह्यूमनिज्म ये कहता है कि जो एम है एजुकेशन का वो स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिव पावर्स को इनबिल्ट करना, ठीक है, उसके अलावा वैल्यूज को डेवलप करना, फिर आपका लॉजिक को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें ही इसके एम्स ऑफ एजुकेशन में आएंगे। फिर इट एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है। ये जो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन जो है आपकी चल रही है उसके बारे में भी ये बात करता है, ये इसी के फेवर में है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। जो टोटल जैसे आपका NEP 2020 आपको बताता है कि जो है एक टोटल डेवलपमेंट या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट या 3D डेवलपमेंट की बात करता है, तो ये उसको भी फेवर करता है और यही कहता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है एक बच्चे का होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए
इट रिकग्नाइज होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच को वही है कि क्योंकि जैसे आप NEP 2020 का आपका थीम भी है इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर मतलब बनाना, तो इस टाइप की भी, ठीक है, जैसे आपका NEP 2020 ने भी कहा है कि मेकिंग इंडिया नॉलेज सुपर पावर, तो ये उसकी बात करता है कि यानी हमें जो है अपने बच्चों को एकदम होलिस्टिक डेवलपमेंट देना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट देना है, जिससे कि वो जो है हर जगह अपनी कीर्ति फैला सके। फिर ह्यूमनिज्म स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के फेवर में ये है। फिर प्लेसेस एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी जैसे आप एग्जिस्टेंशियलिज्म में देख रहे थे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल होइए अपने कृत्य के लिए, तो वैसे ही ये भी ये कहता है कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना चाहिए ह्यूमंस को, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो है आपका जन सेवा की भावना का विकास या वसुधा कुटुंबकम का विकास या जो भी आपको वैल्यूज बताई गई हैं उनका डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट, लॉजिकल पावर्स का डेवलपमेंट, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की ये बात करता है। तो ये भी जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म मैंने आपको बताया कि एक मॉडर्न फिलॉसफी है, वैसे ही उसके बाद ही, क्योंकि ये इसने अपना अस्तित्व दिखाया, तो ये और भी ज़्यादा मॉडर्न एक फिलॉसफी है जो आपके समक्ष आज प्रस्तुत की गई है, जहाँ पर ये कहा गया है कि वो ईश्वर से संबंधित ना हो करके बल्कि मनुष्य के जितने हित हैं, मनुष्य के जो हित हैं उससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो मानव है उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके जो मूलभूत जो कारण है, तो इस तरीके से जितनी भी मनुष्य के अंदर जो इनहेरेंट जो पोटेंशियल है या जो भी कैपेबिलिटीज हैं उन सब चीज़ों को जो है ये प्रॉस्पर करने के लिए ये जो है ये जो दर्शन है ये अपना जो है एक वो करता है, फेवर करता है। और ये कहता है कि मनुष्य ही एक ऐसा जो है सुप्रीम क्रिएशन है जो सबके हित के लिए जो है सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फिलॉसफी है ये भी आज आपके समक्ष खत्म हो गई है। तो आपको जो भी जो है परेशानियां हो, जो भी समस्याएं हैं, वो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी विजिट करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।